फ्रेंड्स, इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्टोन एज एंड द डिफरेंट थ्री पार्ट्स ऑफ स्टोन एज, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक. एंड एज यू नो, पैलियोलिथिक इज ऑल्सो डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स: लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक. यस. एंड इन दिस क्लास टर्न ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज एंड डेफिनेटली वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आर्म्स एंड टूल्स एंड ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक कल्चर और लोअर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड. जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बता भी दिया था, तो स्टोन एज जो हमने बताया था, हैविंग थ्री फेजेस, थ्री टाइम पीरियड: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक. एंड पैलियोलिथिक ऑल्सो डिवाइडेड इन थ्री पार्ट: लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक. तो अभी जो हमें करना है लोअर पैलियोलिथिक एज और कल्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एज. द फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली दे वर लिविंग इन आइस एज. लिविंग इज आइस एज. अगर हम ये कहें थोड़ा कि आइस एज पीपल कैसे दिखते होंगे, तो अर्लियर मैन कैसे दिखते होंगे, तो डेफिनेटली आप इमेजिन करना सीखो. वैसे भी कहते हैं कि इस मन से तेज कुछ भी नहीं चलता. अभी हमने सोचा एफिल टावर, एंड एफिल टावर फ्रांस पहुंच गए, उस पर चढ़ के हमने डांस भी करना शुरू कर दिया. तो ये माइंड को हमें ये नहीं देखना है कि स्पेलिंग क्या है. जस्ट यू हैव टू विजुलाइज द कंटेंट्स. ओके. जब हम पूछ रहे हैं कि आई सेज पीपल कैसे दिखते हैं, तो डेफिनेटली वो कैसे दिखते होंगे, लाइक पोलर बियर. हेयर ही हेयर होंगे, बाल ही बाल होंगे पूरे एंटायर बॉडीज बॉडी पे. नहीं, बिकॉज नेचर एडॉप्टेशन थ्योरी, नेचर एडॉप्ट कर लेता है. शिमला के सारे डॉगी मुझे पेट डॉग जैसा दिखते थे पहले. फिर मुझे समझ में आया कि ये शिमला के सारे डॉगी को लॉन्ग हेयर क्यों है. ड्यू टू लो टेम्परेचर, ठंड वहाँ ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे लॉन्ग हेयर्स होते हैं डॉगी के. यहाँ पे जो हम लोग रखते हैं पेट डॉग, वो शौक से रखते हैं, तो ऐसा लगता है कि लॉन्ग हेयर वाले सारे डॉगी वैसे ही होंगे. सो डेफिनेटली हमें पहले विजुलाइज करना है कि वो दिखते कैसे होंगे. तो डेफिनेटली ड्यू टू नेचर एडॉप्टेशन थ्योरी वो वैसे ही दिखते होंगे. एंड देवर लिविंग इन हंटर एंड गैदरर्स फेज. हंटर एंड गैदरर्स फेज. जैसा कि हमने बताया था इन प्रीवियस क्लास, ह्यूमन इकोनॉमी हैविंग थ्री फेजेस: हंटर एंड गैदरर्स,
survival economy, and number three, surplus economy. And you should know it, the people of lower Paleolithic age or culture living in hunter and gatherers phase, they were what? Consumers, not producer, totally dependent on nature, hunting or gathering foods from the flora. So definitely they were living in hunter and gatherer phase. It was the important feature of this age or this culture. And हमने पहले भी बताया अप टू मेसोलिथिक एज ह्यूमन बीइंग वेयर लिविंग इन हंटर एंड गैदरर्स फेज 99.5% ऑफ एंटायर लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग एक्चुअली engaged in, involved in hunter and gatherer's phase. ये 0.5% में ही human being ने इतना development कर लिया कि वो अब लग कह रहा है कि एटम बॉम्ब को ब्लास्ट करके हम डिस्ट्रॉय कर देंगे इस creation को. अच्छा था वो 99.5% ही. यहाँ पे पता चलता है कि साइंस इज बून और बैन, बून और कर्स, राइट? आप देखोगे 20 लैक्स जो है, कुछ सोर्सेज तो 30 लैक्स से ह्यूमन बीइंग के, मतलब पैलेस्टीन इसकी बात बताते हैं. खैर उतना हमें नहीं डिस्कस करना, बट ये ट्रू है कि 99.5% जो पूरी ह्यूमन बीइंग का लाइफ है वो हंटर एंड गैदरर्स ही था. आप देख लोगे 20 लैक्स में ही कि ये इधर 3000 इयर्स इन मेसोलिथिक एज एंड 5000 इयर्स इन न्योलिथिक एज एंड नाउ वी आर लिविंग इन 2020. तो 2000 ये भी ले लो तो 10,000 से ज़्यादा नहीं होगा, तो 20 लाख में कितना परसेंट होगा? तो डेफिनेटली हंटर एंड गैदरर्स फेज काफ़ी लंबा चला है. एनीवे, एंड द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक कल्चर इज एक्चुअली hunting only big animals. Why? Because they were having heavy and blunt arms and tools. Definitely we will discuss in the second section, arms and tools section. मैंने पहले ही बता दिया है कि three types के questions होते हैं, definitely based on characteristics. Number two, arms and tools, and number three, related to sites. ठीक है, तो definitely they were hunting only big animals because they had heavy and blunt big arms and tools. से आप जो है you can kill only big animals. Definitely you are not capable to kill small animals or birds by hand axe. आप hand axe से तो नहीं मार सकते थे ना birds को और fishes को and a small living beings को. And that's why they were hunting only big animals because they were having hand axe type of heavy and blunt arms. Now the term for arms and tools. Arms and tools.
मोस्ट यूज्ड, जितना ब्रीफ कर सकते हैं करना चाहिए. द मोस्ट यूज्ड आर्म ऑफ दिस एज वॉज डेफिनेटली वॉज हैंड एक्स. हैंड एक्स विच टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ this type of arms was called hand axe, and the most used arm was definitely hand axe. Maybe they introduced with in the last stage of Paleolithic age, introduced with chopper and cleaver, aisa bataya gaya hai. But no doubt the most used arm was definitely hand axe in this age, and the raw material was quartzite stone. We are studying here what? History, not anthropology. So you have to collect the contents regarding history, or the contents having the essence of history, not the essence of anthropology. So the raw material was definitely quartzite stone. That was a resid stone. And this type of a stone is not suitable for blade, arms or tools, or शार्प आर्म्स एंड टूल्स. ठीक है, तो ऐसे ही इस डिजिट स्टोन्स होते ही थे, एंड दैट्स वाई. एंड हमने पहले ही कहा रॉ मटेरियल की वजह से ही वो साइड्स चेंज करेंगे. तो डेफिनेटली दे वर चेंजिंग देयर प्लेसेस टू फाइंड आउट appropriate raw materials. लेकिन अभी इनका quartzite stones जिस area में मिल जाएगा वो वहीं पर रहेंगे. तो sites क्या है, तो definitely the sites were, सबसे पहले North India का ही देख लेते हैं. North India और North side में जो भी था, North बस लिख देता हूँ क्योंकि कुछ लोग सम पार्ट और सम साइट्स एक्चुअली अभी जो है वो है पाकिस्तान में चला गया. लाइक सोहन वैली एंड इसके टेक्निक लर्न करने का ये हो सकता है, इजी टू लर्न. टू वैली, यू हैव टू मेमोराइज टू वैलीज. तो मैंने ऐसे लर्न कर लिया था, टू वैली सोहन वैली, बेलन वैली. सोहन वैली नाउ लोकेटेड इन पाकिस्तान, वेस्ट पंजाब नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, एंड ईस्ट पंजाब नाउ लोकेटेड इन इंडिया. And the river was definitely Swan River or Son River. Pakistan में ही है कुछ part, उसका तो भी है, और उसी के valley को कहते हैं Sohan Valley. सभी इसीलिए सभी कभी कभी इसको Swan Valley भी कहते हैं, SWAN, Swan Valley. तो Sohan Valley, Belan Valley एंड फिर एमपी में ऐसे लर्न कर सकते हो आप, एमपी ए एंड बी आदमगढ़ एंड बी फॉर भीम बेदका इन एमपी. आदमगढ़ एंड एमपी लोकेटेड इन एमपी मध्य प्रदेश, एंड वन इन महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निवासा 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 महाराष्ट्र एंड नाउ द टर्म फॉर सम साइट्स लोकेटेड इन साउथ इंडिया वेर ऑल्सो रिलेटेड टू लोअर पैलोलिथिक कल्चर. एग्जाम्पल कौन से हैं? अतिरम पक्कम, अतिरम पक्कम थी आई थिंक इन तमिलनाडु, एंड द सेकेंड वन इज गिदलूर. गिदलूर डेफिनेटली लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश. जितने भी होते हैं पक्कम पक्कम टाइप के ऐसे जो तमिलनाडु एंड गुंटूर उतनूर गिदलूर लोकेटेड इन आंध्रा है ना, जनरली लोकेटेड इन आंध्रा. लाइक उधरो 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 मोहन जोधरो जुदेर जोधरो चन हुदरो लोकेटेड इन पाकिस्तान सिंध पाकिस्तान, एंड मैक्सिमम गढ़ी 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 इन हरियाणा, सिसाना गढ़ी सिकंदरपुर गढ़ी राखी गढ़ी इन हरियाणा, मैक्सिमम डी 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 इन झारखंड, मशनो डी डिगवा डी मुन्नी डी जसी डी. दीज आर द की वर्ड्स. ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन भी डेफिनेटली आपको कई तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा. एंड क्या ये कोई सिर्फ मतलब अंदाज़ा लगाया जा रहा है, तुक्काबाजी है? नो, डेफिनेटली दिस दीज टाइप ऑफ कीवर्ड्स आल्सो हैविंग कंसेप्ट. व्हाट इज द लिटरली मीनिंग ऑफ डी डी डी? द माउंड एरिया. व्हाट इज द लिटरली मीनिंग ऑफ उधरो 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 मोहन जोधरो? द माउंड ऑफ डेथ मोहन जोधरो. उधरो 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 मीन्स माउंड एरिया. और डी 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 इज डी भी किसको? डी डिपिक्स ऑल्सो माउंड एरिया. एंड द पीपल वी आर लिविंग द ह्यूमन बींग वी आर लिविंग ऑन माउंड एरिया टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम रिवर एंड ऑल्सो प्रोटेक्शन फ्रॉम रिवर, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लड बाय रिवर. तो उन्हें माउंट एरिया पे ही रहते थे हमेशा. जब भी कोई टाउन सिटी शहर बसता था तो कहाँ पे बसेगा? माउंट एरिया पे, डीह पे, उधरो पे, ऊर पे, ऊर ऊर ऊर. एंड दैट्स व्हाई दीज टाइप ऑफ सिटीज हैविंग द टर्म ऊर डी उधरो एट एंड, इसीलिए ऐसे नाम होते हैं, है ना? पूर. सो डेफिनेटली यू शुड नो अबाउट दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस. तो सोहन वैली, बेलन वैली, आदमगढ़, भीमबेतका, निवासा, अतिरम पक्कम, गिदलूर, ओके? एंड डेफिनेटली वी विल प्रोसीड फॉर सेकेंड एज इन और अंडर पैलोलिथिक एज इन नेक्स्ट क्लास बाय द नेम मिडिल पैलोलिथिक कल्चर. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर.